नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के मनासा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही नकबजनी की वारदातों को लेकर मनासा पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनासा पुलिस ने चोरी की वारदातों की गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करा, वहीं 3 अन्य उनके साथियों की तलाश की जा रही है। मनासा थाना प्रभारी शिव कुमार यादव से मिली जानकारी के अनुसार लगातार थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी को लेकर पिपलिया भाड़ी जो है वहां के 2 आरोपी सुमित पिता सूरज और नवीन पिता पांडा उर्फ पप्पू जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने लगभग 5,35,000 रुपए की चोरी गई मशरूका बरामद की गई। वहीं बताया जा रहा है कि इन्होंने अलग अलग 6 जगह चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया था। साथ ही बता दें कि पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपने 3 अन्य साथियों के नाम कबूले, जिसमें अश्विन पिता दिलीप, आर्यन पिता सुरेश और शिवम पिता रवि निवासी गनहाड़ी पिपलिया बताए जा रहे हैं। इन साथियों की पुलिस अभी तलाश कर रही है। वहीं 2 आरोपी सुमित और नवीन को मनासा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं बता दें कि सुमित जो है वो जहरीली अवैध शराब के मामले में फरार चल रहा था और पुलिस कप्तान ने सुमित की गिरफ्तारी को लेकर 3,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी की गई थी, जिसको आज गिरफ्तार किया गया। वहीं चोरी की वारदात के मामले में मनासा पुलिस की आज बड़ी सफलता लगी। मनासा थाना क्षेत्र में लगातार कई चोरियां नकबजनी वगैरह हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नकबजनों की पतारसी और उनकी गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश दिए गए थे। जो थाना मनासा की टीम के द्वारा लगातार मुखबिरों से और दूसरे अन्य सोर्सों से लगातार जानकारी ली जाकर जानकारी मिली कि सुमित माछड़ा और नवीन माछड़ा हाड़ी पिपिया के इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं अपने साथियों के साथ, और सुमित पूर्व से भी एक नकबजनी में फरार चल रहा था और एक 34-2 आबकारी के मामले में फरार चल रहा, जिस पर 8,000 रुपये का इनाम भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है, जिनको कल थाने पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर नीलेश सोलंकी, तेज सिंह सिसोदिया एवं अन्य स्टाफ द्वारा सूचना मिलने पर कल इनको पकड़ा गया। पकड़ के इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा थाना क्षेत्र की 6 नकबजनियाँ करना कबूल किया गया था, और जिसमें से काफ़ी नकब चोरी किए गए संपत्ति भी इनसे बरामद की गई है, और अपने इनके अन्य साथी जो अभी फरार हैं फिलहाल अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल अभी तक 5,35,000 का मशरूका नकदी एवं जेवर वगैरह मिला के इनसे जब्त किया गया है। पुलिस रिमांड लेकर अन्य और वारदातों में पूछताछ की जा रही है। इनके साथी अन्य कितने और लोग अन्य आरोपी बनाए गए आपके द्वारा? अभी इनके द्वारा 3 अन्य आरोपियों का, एक आर्यन, एक शिवम और एक नाम ध्यान रमन के द्वारा बताया गया, जो अभी कल से इनकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन वो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।